उत्तराखंड में बुधवार को बम्पर वोटिंग हुई। आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोगों ने वोटिंग की। पोलिंग बूथों पर वोटिंग के लिए लंबी लाइनें लगी रही और राज्य में दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देवभूमि के दंगल में जमकर वोटिंग हुई। आम हो या खास, हर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के धर्मपुर में अपना वोट डाला। हरीश रावत ने कहा कि सूबे में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। पक्का आ रहे हैं और अच्छी सरकार बनाएंगे, अच्छी संख्या के साथ सरकार। लोकतंत्र में जनपक्ष का महत्व बहुत बड़ा है और इस चुनाव में मैं भले ही कोई किसी ने अकेले वो कहा हो, सारा कांग्रेस पक्ष हमारे साथ था, प्रगतिशील ताकतें हमारे साथ थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि जनता खुद सारथी के तरीके से हमारी विजय के लिए काम कर रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हल्द्वानी में वोटिंग के लिए बूथों पर लंबी कतारें दिखी। वोटर को वोट डालने में पूरी सुविधा दिखाई दे रही, मौसम ने भी साथ दिया है और जिस ढंग से हमला हुआ हमारी सरकार पर, सरकार बर्खास्त की गई, 54 दिन हम भटकते रहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, जीते, जनता ने समझा दिया कि जबरदस्ती जनतंत्र में आप सरकार बर्खास्त नहीं कर सकते। देहरादून में भी वोटर्स में खासा उत्साह नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने भी यहां वोट डाला। को देखा था, उसके बाद 5 साल यहाँ कांग्रेस की उस सरकार को देखा जिसने उत्तराखंड को बिल्कुल चौराहे पर खड़ा कर दिया, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक तंत्र की व्यवस्था हो और चाहे वो अवस्थापना विकास का हो, हर क्षेत्र में बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में विकास के काम सब ठप पड़ गए। अब लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शासन है, जंगल राज जैसा लगा लोगों को। तो इसलिए शुरू से ही लोगों ने ये मन बना दिया था कि इस समय इस सरकार को उखाड़ना है। अल्मोड़ा में सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें नजर आई। रानीखेत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने वोटिंग की। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने पिथौरागढ़ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदाताओं में बड़ा उत्साह है और डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का एक सबसे बड़ा अहम बिंदु यह है कि हर एक मतदाता जागरूक हो, वो अपना वोट दे। तो ये जितनी बड़ी लाइन आप देख रहे हैं सुबह सुबह, उससे लगता है कि हमारे इधर के लोग, उत्तराखंड के लोग जागृत हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन आयुक्त राधा राठौड़ी ने भी देहरादून में वोट डाला तो योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी पोलिंग बूथ पे मतदाताओं को मदद करने के लिए पूरी व्यवस्था है और सारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जो बेसिक चीजें हैं, रोशनी है, पानी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, किसी भी मतदाता को कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई आपको पूरा ईमानदार मिल जाए तो उससे तो बेहतर क्या हो सकता है। वो तो हमारे लोकतंत्र की शान है कि आप ईमानदार उम्मीदवार को, जो देशभक्त है, जिसकी नीयत अच्छी है, जिसमें नेतृत्व की क्षमता है और जिस पार्टी की नीति अच्छी है, उसको वोट कीजिए। और यदि आपको लगता है कि यहाँ तो बेईमानों का टोला खड़ा है, तो उसमें जो कम बेईमान है उसी को कर दीजिए। उत्तराखंड में 69 सीटों पर वोटिंग हुई और राज्य की जनता ने जमकर मतदान किया। अब जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये तो 11 मार्च को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।